आज मैंने ये खुलवा रखी है क्योंकि इसका जो है बैरिंग चला गया है, तो शायद इसका ये बैरिंग चेंज होगा और गियर बॉक्स खोल के चेक करेंगे क्या बीमारी, क्योंकि जब आपने देखा होगा छन छन की ज़्यादा आवाज़ आती थी, छन 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 छन। तो आज हम एक तो इसमें बैरिंग डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, इतना गैप है, तो आज इसे हम रिपेयर करेंगे। तो बड़ा लूज हो रखा है, हम भी खाएंगे। और भी तो नहीं है, पूरा ही बच गया वैरिंग, तभी वो शायद कट रही थी बोला है, देखो ना स्लिप हो रही है पूरी है। गाइज अगर आपको भी पता करना है कि आपकी गाड़ी में भी ये बैरिंग ख़राब हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में गाड़ी लेके जानी है और आपको क्या करना है, एक्सीटर दे के छोड़ देनी है। अगर खड़ 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 की आवाज़ आती है गियर बॉक्स की साइड से तो आप सोच रहे ना कि आपके बैरिंग चले गए हैं, तो आपको पूरे 6 के 6 बैरिंग चेंज करवाने पड़ेंगे, और हो सकता है अगर टाइम से अगर चेंज ना कराए तो आपके इसके दांते भी ख़राब हो सकते हैं। और एक ये भी डलेगा, और इनको भी देख ले क्या सारे तो चेंज नहीं होंगे बैरिंग इसमें। ये भी सही है, तो सही कंपनी वाले बताते तभी तो नहीं है, बस ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये ऐसी आवाज आई इसमें। ये तो सही है, ये तो सही है, खराब हो गया ये भी, ये वाला डर। तो ये तो पीछे वाला था क्योंकि व्हील का है ना बैरिंग, ये तो डाल ही देंगे, तो निकाल के ले आने पड़ेंगे, तो निकल जाएंगे यहाँ से, यहीं से निकलेगा नहीं सारा, इतनी जल्दी से कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा इसका, इधर चलो वेल्डिंग से निकलवा लेंगे, अब इसके लिए गाड़ी थोड़ी ना लेके जाएंगे वहाँ, इसके लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अरे इसमें एक आता नहीं है खींच के निकालते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा मुझे, इसमें ऐसी पत्ती की तीन डलेंगे इसमें और तीन ऊपर खींच जाएगा ये। तो गाइज अगर आप टाइम से इसके बैरिंग चेंज नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर करीब चल चुकी है, मैंने तो अभी 50,000 किलोमीटर चला दी है, तो इस वजह से मुझे ये चेंज करानी पड़ रहा है क्योंकि इनमें आ गया गैप बैरिंगों में, तो अगर आप नहीं चेंज कराते तो आपके ये दांते ख़राब हो सकते हैं, और क्या पता अगर आप लंबे टूर पर जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान देख के जाएँ, क्योंकि आपकी गाड़ी मेन गियर बॉक्स से अगर ये ख़राब हो गए तो आपकी गियर बॉक्स टूट सकता है। तो ये भी चेंज होगा बैरिंग, और जो तीनों लग रहे हैं तीनों भी चेंज, तीनों चेंज होंगे, तो मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन आगे दे दूँगा। बेल्ट से निकालना पड़ेगा, और ये वाला भी जितने भी सारे सारे निकाल लिए, मगर जुगाड़ से निकाल लिए सारे के सारे, मतलब 4-5 बैरिंग चेंज होंगे सारे। तो इसमें भी एक बैरिंग होता तो वो भी हमने निकाल लिया, करीब करीब सारे मिला के 6 बैरिंग हो चुके हैं, तो 6 बैरिंग चेंज होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जब काम करा रहा हूँ तो सारे कराऊंगा, किसी किसी में थोड़ा थोड़ा गैप है जो कि थोड़ा थोड़ा दिक्कत देगी, मैं आपको एक बार चेंज करा रहा हूँ। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से बैरिंग यूज़ होंगे इसमें, एक तो है ये आ गया, हाँ तो एक तो ये यूज़ होगा 6201, ठीक है, फिर एक यूज़ होगा 6202, और एक यूज़ होगा
ये कौन सा है, 62-04, और ये है 62-05। और ये वाला जो बैरिंग ना, ये कैप वाला यूज़ करना, क्योंकि ये बाहर चलता सूखा बैरिंग, इसलिए ये मेन चीज़ ये यूज़ करना पड़ेगा कैप वाला। तो 62-01 हो गया, और ये है 62-02। तो ये बैरिंग यूज़ होने वाले हैं इसमें, एक बार बता दूँ 6 बैरिंग है, 4-5, और ये होगा 62-03, सेम 6 बैरिंग यूज़ होंगे इसमें 6। चार ये क्लच का, क्लच में लगेगा ये, ये सुन के 62-04। बासठ सौ दो ये लगेगा बीच वाले में। बासठ सौ तीन लगेगा सबसे पहले वाले में, व्हील बैलेंसिंग वाले में, व्हील बैलेंसिंग है। 01 62-01 सबसे छोटा वाला। ये 6005, 6005 सबसे बड़ा वाला। तो गाइज़ मैंने इसके बैरिंग चेंज करवा लिए हैं, तो जो बैरिंग का जो कॉस्ट था तो वो मेरे को पड़े करीब 900 रुपये के सारे मिला के, वो भी ओरिजिनल बैरिंग थे। अगर लोकल डलाओगे तो लोकल में ये रहता है कि आपको बार बार चेंज कराने पड़ सकते हैं, दोबारा से आवाज़ आएगी। तो मैंने ये चेंज करवा लिए हैं। तो अगर आप अगर आप बाहर से कहीं करवाते हो तो आपको जो लेबर चार्ज पड़ सकती है 500 से 600-700 पड़ सकती है। तो मैं तो जानकार में था तो मैंने उनसे करवाया था काम। अगर आपको भी करवाना तो आप मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो बंदे दिल्ली से रहते हैं वो करवाना चाहते हो तो मैं आपको मेरे से कांटेक्ट करें कि आपको भी गाड़ी में ये वाला बैरिंग का काम करवाना है, मतलब गियर बॉक्स का काम कराना है, तो मैं गियर बॉक्स का आपका काम करवा दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, साइनिंग।